हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एल्युमिनियम किचन। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये टोटल ही किचन एल्युमिनियम से बना है और इस किचन का साइज जो है वो है 12x8। और इस किचन में हमने बॉक्सेस की कैसे प्लानिंग की है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ और साथ ही थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा एल्युमिनियम किचन बनाने का हमें क्या फायदा होता है, लकड़ी के कंपेरिजन में सस्ती होती है, महंगी होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्लानिंग को देख लेते हैं कि हमने कैसे की है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने दिए हैं इनोटेक, फर्स्ट इनोटेक, सेकंड इनोटेक, ये हमारे बड़े बर्तन प्लेटे वगैरह के लिए, ये हमारे मीडियम साइज के बर्तन, और दोस्तों सबसे नीचे, फिर इसके बाद ये हमारी इनोटेक बास्केट, थर्ड ये फोर्थ, और दोस्तों ये हमारी कड़छी और चम्मच के लिए कटलरी। इसके बाद आप ऊपर के बॉक्सेस देख सकते हैं, ये दो बड़े बॉक्सेस, यहाँ पे हमने किचन सेल्फ लगाई है। इसके बाद हमारा यहाँ पे चिमनी आ जाएगी, और चिमनी के बिल्कुल नीचे हमने आटे के ड्रम के लिए इनोटेक में ही ड्रॉर दिया है, ताकि आपको जब भी ड्रम में से आटा निकालना हो तो आप इसको आराम से इजीली यूज कर सके। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है सिलेंडर की जगह, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बाहर नहीं है, सिलेंडर हमें यहीं पर रखना है, तो सिलेंडर के लिए हमें यहाँ पे एक जगह दे रखी है। और इसके बाद दोस्तों हमारा कॉर्नर में आप देख सकते हैं हमने हाइड्रोलिक हिंग का यूज कर रखा है। इसके बाद इसमें जो भी एसेसरी ओनर पसंद करेंगे वो हम यहाँ पे लगा के देंगे। इसके बाद हमारे पास थोड़ा स्पेस बचता है, यहाँ पे हमने एक सिंपल पल्ला दे रखा है हाइड्रोलिक के साथ, इसमें हम चावल का ड्रम वगैरह या चावल का कट्टा वगैरह आराम से रख सकते हैं। ऐसे ही सेम ऊपर तीन पल्ले दे रखे हैं, सेम बीच में ग्लास की सेल्फ और लास्ट में ये प्लास्टिक पल्ला। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही किचन सिंक के नीचे हमने डस्टबिन वगैरह के लिए स्पेस दे रखा है, और नीचे हमने कोई पार्टीशन नहीं दिया है, ताकि तब भी आप यहाँ पे फर्श को क्लीन वगैरह करें तो पानी आराम से हमारा ड्रेन पाइप में चला जाए। तो दोस्तों किचन आपने देख लिया है, लकड़ी के कंपेरिजन में दोस्तों ये किचन थोड़ा सा सस्ता जरूर पड़ता है, और साथ ही जो इसमें मेन क्वालिटी वो ये है कि 10 साल बाद जब भी आपको लकड़ी निकाल के, आपकी लकड़ी तो 5-7 साल के बाद खराब हो जाती है, वो आपको फोन करके उठवानी पड़ेगी। ठीक है, इस 10 साल बाद जब आप इसको निकाल लोगे तो ये एज इट इज निकलेगी, और उसके 10 साल बाद भी ये आज के रेट के मुताबिक अपने आधे रेट में चले जाएगी, आपको इसमें बिल्कुल जीरो लॉस है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 10 साल 20 साल ये एज इट इज रहेगी। सारा वर्क एल्यूमिनियम का है, जो आप सीट देख सकते हैं ये भी एल्यूमिनियम की ही इस पे परत चढ़ी हुई है, तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इसमें कोई आपको टर्माइट का कोई खतरा नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी किचन बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर डाला हुआ है, तो आप हमें जरूर फोन करें, और आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो तब भी हमें फोन करें। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।